फ्रेंड्स, हाय, दिस इज सोनम अवस्थी. वेलकम टू आवर फैमिली जीएफई ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेनर्स एंड एम्पैक्ट एक्सपर्ट्स, जहां हम आपके सपनों को साकार कर आपके बिजनेस को पहुंचाते हैं वैश्विक स्तर. तो हमारे चैनल और हमारी एप्लीकेशन जीएफई बिजनेस को स्टॉल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके सवालों का सही जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है. सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, टॉप 5 कंट्रीज जहां हर इंडियन अपने को अमीर समझ सकता है और बड़े ही आराम से वहां आ जा भी सकता है. जिन देशों की जानकारियां आपके बिजनेस को और आसान भी बनाती हैं. तो शुरू करते हैं हमारा पहला देश, वियतनाम. बड़ा ही मशहूर देश, काफी ढेर सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी. आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर भारतीय अपने आप को बहुत ही रिच महसूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रुपीस का ही बोलबाला समझिए. इस समय आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो आपको बता दे कि यहाँ पर एक भारतीय रुपया 310 वियतनामीज डोंग है. वियतनाम एक प्राकृतिक सौंदर्य का भी देश है, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाता है और ट्रैवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है. ट्रैवल चार्जेस यहां पर मात्र 20,000 रुपए आएंगे आपके लिए, और खाने पीने और रहने का खर्च भी मात्र 2,000 से 5,000 में ही हो जाएगा. नंबर 2, इंडोनेशिया. इंडोनेशिया एक आइलैंड है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा टेंपल है और सबसे खास जगहों में से एक है बाली, जहाँ पर आपको एक्टिव वोल्केनो भी देखने को मिलती है. और यही कारण है कि यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट का आना जाना होता है. अगर बात करें इंडियन करेंसी की, तो यहाँ पर एक रुपया 194 इंडोनेशियन रुपया है. खास बात ये है कि यहाँ पर एक हफ्ते रहने का खर्चा मात्र 3,000 और खाने पीने का लगभग 1,500, और आना जाना बड़े आराम से 12,000 से 15,000 में आप कर सकते हैं. कंबोडिया. जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया बहुत ही सस्ता देश है, और यही कारण है कि यहाँ कई अन्य देशों से लोग घूमने आते हैं, जिसमें से यदि देखें तो हमारे इंडियंस की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर एक रुपए की कीमत 55 कंबोडियन रियाल है, और आपके लगभग एक हफ्ते का होटल का खर्चा मात्र 1,800 से 2,000 ही आता है. और अगर फूडिंग की बात करें तो मात्र 1,000 से 1,200, तो कुल मिला के 15,000 में आपका एक बढ़िया सा ट्रिप हो जाता है. मंगोलिया. वैसे मंगोलिया और चंगेज खान का नाम तो सभी ने सुना है. वैसे यहां पर आपको हर जगह चंगेज खान की मूर्तियां देखने को मिलेंगी. यहां पर एक रुपए की कीमत लगभग 36 मंगोलियन तुगरिक है. खाना पीना और रहना मात्र 5,000 से 10,000 में हो जाता है, और फ्लाइट का खर्चा भी मात्र 20,000 रुपए ही आता है. नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है, जहां पर भारत का अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस का काम होता है. साथ ही बात करें घूमने फिरने की, तो अगर आप पहाड़ी इलाकों के शौकीन हैं, तो आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जा रहे हैं, जहां आपका खर्च केवल 15,000 से 20,000 रुपए ही आता है. तो हमारे आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया 5 टॉप कंट्रीज के बारे में. तो हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस इन्फॉर्मेशन से ज़रूर बेनिफिट होगा. तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. अपने सवाल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारी जीएफई बिजनेस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल ना भूलें. अगले एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात. टिल देन टेक केयर and goodbye.